so out of line every time that you call my name. I want to make a move, but I'm scared to say it. It's taken a while to get this far, I'm caught in the way. It's taken a lot to get this close, we're one and the same. Chasing colors after dark, in your heart, I believe in you though. Hello guys, welcome to yet another episode of Foodie Hindustani. So today we have come to you with a hidden gem. तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फूड हिंदुस्तानी। तो आज हमारे फूड हिंदुस्तानी के दोस्तों के लिए हम लोग एक बहुत ही अच्छा एक छोटा सा प्लेस है जो कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है, वहां पर हम लोग जाएंगे और वहां आपको खा के बताएंगे कैसा इसका टेस्ट है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ऐसा वीडियो हम रेगुलर आपके लिए ला पाए। तो गाइज ये अभी हम लोग जो जगह में है वो है स्प्लैनेट। स्प्लैनेट के जस्ट आपका जो रिगल सिनेमा था वहां पर KFC हुआ है, उसके अपोजिट में एक न्यू मोमो ज्वाइंट हुआ है जिसका नाम है निक द मोमोलिशियस। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं खाने के लिए, खा के टेस्ट बताएंगे कैसा है एंड प्राइस भी बताएंगे ताकि आप आके खुद टेस्ट कर पाए और उसका फूड का एंजॉय कर पाए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस ये है यहाँ का मेन्यू, तो काफ़ी रिजनेबल है कम्पेयर टू स्प्लैनेट और यहाँ काफ़ी कुछ है, वेज एंड नॉन वेज सभी अवेलेबल है। तो यहाँ पर एक आंटी है तो वो वेज बनाएगी अभी हम लोग के लिए कुलर पिज्जा एंड वेज मोमो। तो चलिए खा के देखते हैं, टेस्ट बताते हैं कैसा है। तो गाइस ये है आपका रिगल सिनेमा जो अभी KFC बन गया है और ये सीधा जा रहा है मेट्रो गली तरफ। तो ये अभी नया निक द मोनोलिशियस स्टार्ट हुआ है, नया खुला है। तो यहाँ पर आपका कुलर मोमो ठीक है ये मिलता है और आपका वेज मोमो भी काफी टेस्टी है। तो चलिए यहाँ खा के देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। तो गाइस यहाँ पर मोमो सैंडविच मैगी चाउमीन और दही वड़ा छोले भटूरे, तो बहुत एक होमली एटमॉस्फेयर है यहाँ पर और आंटी सर्व करती है। आप लोग कब से हो गया ये दुकान? मेरा 10 साल 12 साल हो गया क्या? यहीं पर था पहले दुकान? हाँ 12 साल हो गया। और अभी मतलब आप ही बनाते थे पहले ना? अभी पहले किसी और किसी का दुकान? नहीं नहीं मैं ही बनाती हूं। शुरू से आप ही? मैं और मेरा लड़का है। अच्छा हम दोनों ही बनाते हैं। ओके तो क्या नो चिली फ्लेक्स मसाला? तो आप लोग मतलब पहले से क्या क्या बनता था पहले यहाँ पर? क्या आइटम पहले से यही आइटम? सैंडविच पिज्जा बर्गर स्प्रिंग रोल चाउमीन तब आप ही बनाते थे? लोग बनाते हैं अपने बनाते हैं ना, तो टाइम इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। हाँ सब कुछ फ्रेश मिलता है यहाँ पर। अच्छा फ्रेश रेडी करके इसलिए लिख भी दिया। तो नॉनवेज कैसे बनता है? आंटी तो नॉनवेज नहीं खाती है? नहीं सब बनाते हैं। बना लेते हैं? हाँ सब खिलाती हूँ, खाती नहीं हूँ खिलाती खिलाती अच्छा सब कुछ खाती नहीं लेकिन खिलाती है। नॉनवेज भी? नॉनवेज क्या क्या बना लेते हैं? चाइनीज पूरा। चाइनीज पूरा आपका? तो कूलर पिज्जा आंटी कब से आपको स्टार्ट किएगा? कूलर पिज्जा 2 साल है। 2 साल हो गया। कूलर पिज्जा है, कूलर मैगी है। अच्छा कूलर मैगी भी है, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे वो भी खाएंगे। कूलर मैगी ऑन कर देंगे। हाँ डिफरेंट है ना। उसका प्राइस क्या है कूलर मैगी का? 100 रुपीज। और इसका? ये 150। ये 100 और 150 दोनों में। अच्छा 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 अभी फिलहाल मेरे पास 150 का 100 वाला फोन के लिए। ठीक है ठीक है। तो गाइस ये छोटा सा शॉप है लेकिन काफी अच्छा यहाँ का खाना क्वालिटी है और आंटी बनाती है, तो अगर आप देख रहे हैं तो आप आ सकते हैं यहाँ पर खाने के लिए।
का रोज खुला रहता है क्या ना? संडे संडे क्लोज रहता है, पूरा दिन क्लोज रहता है। नूडल्स, फ्राइड राइस, चिली चिकन, मोमो, पिज्जा, सब कुछ मिलेगा, सब फ्रेश मिलेगा। तो सब बेक हो गया है, अब मिक्स कर रही है। ठीक है, दोबारा बेक होगा क्या इसमें डाल के? हाँ, एक मिनट के लिए। कितना मिनट फिर ब्रेक होगा? एक मिनट में हो जाएगा, तो गाइस एक मिनट में रेडी हो जाएगा। ये चीज I'm scared to say it's taken a while to get this far. I'm caught in the way, it's taken a lot to get this far. तो गाइस हमें मिल गया है ये कूलर पिज्जा, ये देख सकते हैं, सामने दिखा दो। तो काफ़ी अच्छे से आंटी ने बनाया है इसको, पूरा अच्छा से इसमें कैप्सिकम ये सब दिया हुआ है। तो खा के मैं टेस्ट पे बताते हैं। काफ़ी गर्म है तो वेट कर रहे हैं उसको ठंडा होने के लिए। तो कूलर पिज़्ज़ा कोलकाता में भी कम, बहुत कम जगह मिलता है, तो आप यहाँ आके ट्राई कर सकते हो स्प्लैनेट में। तो जस्ट ये रिगल सिनेमा का सामने है, टेस्ट काफ़ी अच्छा हुआ है, मतलब पिज़्ज़ा का जैसा टेस्ट आता है उस टाइप का टेस्ट आ रहा है। चीज़ भी काफ़ी भरा हुआ है, पीस खा के देखता हूँ। काफ़ी पिज़्ज़ा जैसा पूरा सिमिलरिटी है और टेस्ट भी काफ़ी इसमें अच्छे हैं और सब्ज़ी पूरा भरा हुआ आराम से। तो वेज लवर जो है और जो पिज़्ज़ा इंजॉय करना चाहते हैं कूलर पिज़्ज़ा, वो लोग आके यहाँ ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छा आंटी, टेस्टी है बहुत। अच्छा, जो भी करेंगे मैं आपके टेस्ट के अनुसार बनाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका जैसा मिठाई जैसा बोलेंगे कम बेसी में करें, लेकिन मैं रेडी नहीं रखती, मैं आपका ऑर्डर पे आप रेडी करती हूँ। तो गाइज आंटी का खाना काफ़ी अच्छा लगा टेस्ट और हम लोग भी काफ़ी खुश हैं। तो आंटी से एड्रेस पूछ लेते हैं कहाँ पर। नेक्स्ट द मोमोलिशियस 139A एस एन बनर्जी रोड कैलकटा 13। तो गाइस ये एड्रेस है, तो आप लोग आइए खाइए और फिर बताइए कैसा लगा। बोल दीजिए कलकत्ता कॉर्पोरेशन के पास है। तो मेरे अलग अलग रहते हैं, जब भी यहाँ आऊंगी ना अगर मुझे खाने का मन हुआ जरूर आइए आप। मेनू कार्ड में नहीं है, साइड में लगा हुआ पर आज का वीडियो रहा हमारे वेज भाई बंधुओं के लिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा आप, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ऐसा वीडियो रेगुलर ला पाए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खाते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।